नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से ही है, जहां रात्रि गश्त पॉइंट चेक करने बाइक में निकले एसएसपी लापरवाही बरतने वाले कई पुलिस कर्मियों को नोटिस दिया है। अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशंसा पत्र भी दिया गया। डायल 112 का रिस्पॉन्स समय चेक किया गया। रात्रि गश्त में लगे अधिकारियों से भी चर्चा की गई और मुस्तैदी से रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के विजिबिलिटी निर्देश पर रात्रि चेकिंग को मजबूत किया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां एसएसपी खुद रात्रि गश्त पर निकले और अधिकारियों से मुलाकात की, डायल 112 के लोगों से मिले और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को नोटिस दिया गया। वहीं ठगी से जुड़ी हुई ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहने जाने वाले इंदौर से है। आए दिनों यहां बढ़ने वाली ठगी की रफ्तार ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। पहले दिल्ली, अब इसके बाद इंदौर में सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इंदौर में दिसंबर में होने वाले कॉन्सर्ट के 9 टिकट की बुकिंग कराने के नाम पर युवक से ठग ने 90,000 रुपये की ठगी की है, जिस पर युवक ने क्राइम ब्रांच थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके पहले सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो के टिकटों की कालीबाजारी को लेकर ईडी ने कुछ दिन पहले छापामार कार्रवाई की थी और ये दूसरी तस्वीर डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई है। अब साइबर ठगों ने 71 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाते हुए 40,60,000 रुपये वसूल लिए। बुजुर्ग की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है। बुजुर्ग ने बताया कि ठग ने खुद को मुंबई पुलिस का ऑफिसर बताते हुए डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। इस दौरान ठग ने फर्जी सीबीआई ऑफिसर से भी बात करवाई थी। फिलहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस जांच करने में जुट गई है। कुल मिलाकर 40,00,000 रुपए से अधिक मेरे अकाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया फ्रॉड हो गया है, तो फिर मैं जाकर थाने में उसने या क्राइम ब्रांच में आकर उसने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। इसमें बेसिकली 40,00,000 रुपए का इसमें साइबर फ्रॉड हुआ है। ये डिजिटल अरेस्ट का एक और केस है और इसमें चूँकि व्हाट्सअप कॉल पर ही इसके साथ फ्रॉड किया गया, व्हाट्सअप कॉल पर इसको वीडियो कॉल पर लेकर इसके साथ फ्रॉड किया गया। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं करने पर पति को तलाक देने का अधिकारी माना है। दरअसल मध्य प्रदेश के डिंडोरी में रहने वाली युवती ईसाई धर्म को मानती है। उसने गांधीनगर बिलासपुर निवासी एक युवक से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद से ही उसने हिंदू रीति रिवाज और देवी देवताओं का उपहास करना शुरू कर दिया। इन बातों से व्यथित होकर पति ने फैमिली कोर्ट बिलासपुर में तलाक के लिए आवेदन लगाया, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 अप्रैल को विकास को तलाक की अनुमति दी। इस आदेश को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि इसने बीते 10 साल में पूजा नहीं की, इसके बजाय वो प्रार्थना के लिए चर्च जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को धनतेरस पर 2 बड़े हेल्थ गिफ्ट दिए हैं। इन दोनों संस्थानों से मरीजों को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। यह है बिलासपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर वर्चुअली शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने रायपुर में योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का भी शिलान्यास किया। इन दोनों संस्थानों में मरीजों को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा। 17 साल से जो ऊपर के हैं उनको 5,00,000 तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं और इससे पूरे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। इस दौरान रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे। दोनों जगह बीजेपी के दिग्गजों ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है उसमें एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में संस्थान की स्वीकृति देकर दी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को और आगे ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ में 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की सौगात आज धनतेरस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत आभार। फिलहाल इन दोनों संस्थाओं से आने वाले दिनों में संभाग के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। IBC 24 के लिए रायपुर से राजेश राज और बिलासपुर से जितेंद्र धवाइत की रिपोर्ट। तो वहीं इंदौर में ESIC के 300 बेड वाले नए अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और तुलसी सिलावट कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अस्पताल को एम्स के तर्ज पर तैयार किया गया है जो कि सर्व सुविधा युक्त है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्रमिक भाई बहनों के लिए हॉस्पिटल फायदेमंद साबित होगा। इस अस्पताल में दिल्ली एम्स जैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस अस्पताल का नाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पर रखा जाए। इंदौर को जो उन्होंने सौगात दी है और मजदूरों के हितों के लिए ये मध्य प्रदेश का ऐसा संस्थान है जो जिसकी तुलना एम्स से हो सकती है, मुझे लगता है कि हम और 500 बिस्तर तक के विस्तार में भी इसमें गुंजाइश है, हम वहाँ तक जाएंगे। मैंने आग्रह किया है कि इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी ESI हॉस्पिटल बनाया जाए, पर उसकी एक प्रक्रिया है। पहले प्रहलाद पटेल जी अपने ESI के बोर्ड में इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र में भेजेंगे, उसके बाद केंद्र इसके नाम की अनुमति देगा। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नशे में धुत सड़क पर पुलिस आरक्षक पड़ा मिला है। सख्ती पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सुरक्षा ड्यूटी में बिलासपुर लाया गया था। आरक्षक को दूसरे पुलिस कर्मियों ने सड़क से हटाया। जरहा भाटा चौक के पास की घटना है। तो सख्ती से बड़ी खबर है जहां पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक और उसे ड्यूटी सुरक्षा ड्यूटी में बिलासपुर लाया गया था और वो नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ मिला। आरक्षक को दूसरे पुलिस कर्मियों ने सड़क से हटाया। तो खाकी का अपमान आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां बिलासपुर में नशे की हालत में धुत मिला है पुलिसकर्मी। सड़क पर देखिए कैसे लेटा हुआ है नशे की हालत में, जिसे दूसरे पुलिस कर्मियों ने हटाया उसे रोड से। तो ग्वालियर के गोविंदपुरी स्थित IIITM इंस्टीट्यूट के सभागार में प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने 205 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में डाक विभाग के गुना, ग्वालियर, मुरैना और नर्मदापुरम संभाग के 164 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें वित्त सेवा विभाग के 28, BSF के 10 और उच्च शिक्षा विभाग के 3 चयनित युवा शामिल थे। कार्यक्रम में PM मोदी वर्चुअली जुड़े, उन्होंने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित देश भर के 40 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 51,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव को लेकर CM विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिवाली त्यौहार के कारण इस बार राज्योत्सव नवा रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक होगा। 5 नवंबर को सभी जिलों में राज्योत्सव मनाया जाएगा। अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ आएंगे। वहीं राज्योत्सव के शुभारंभ में मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 4, 5 और 6 ये तीन दिन का राज्य स्तर में राजोत्सव होगा। राजोत्सव के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय उसमें शामिल होंगे अलंकरण समारोह में, और शुभारंभ के अवसर में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी होगी। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 14 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से धान की तौलाई होगी ताकि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। 14 नवंबर से हम धान का खरीदी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरी व्यवस्था शासन स्तर से नीचे स्तर तक की पूरा की गई है। उसमें किसी प्रकार के किसानों को कोई परेशानी न हो, ये सब का भी चिंता किया गया। इधर रायपुर में सुनील सोनी की वायरल वीडियो पर कांग्रेस की पीसी हुई है, जिसमें वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स मोहम्मद शोएब मौजूद रहे। पूरे वीडियो पर शोएब ने जानकारी देते हुए कहा कि ये वीडियो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। सुनील सोनी मुझसे गले मिले और माथा को चूमा। सर मतलब आपको गले लगे थे और माथा को आपको छुपे थे? आपने भी किया सर? सर आपने भी किया? नहीं नहीं, मैं नहीं किया और मैंने उनको फिर बधाई दिया। अच्छा, भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ धनतेरस की खरीदारी की। उन्होंने बाजार में से चांदी का सिक्का, बर्तन और अन्य सामान की खरीदारी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पान का स्वाद भी चखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सभी बहनों और भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंपरा के अनुसार आज से दीपावली प्रारंभ हो रही है, दीपावली का महापर्व, और धनतेरस के दिन हम चांदी का सिक्का और बर्तन कई वर्षों से खरीदते हैं। आज भी लोटा और गिलास खरीदा है, चांदी का सिक्का भी लिया है, दीपक जला के आज दीपावली की शुरुआत भी की है। द राजधानी भोपाल में इस बार दिवाली में वोकल फॉर लोकल की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। लोग कोलकाता और गोरखपुर से आई हुई मूर्तियों को खासा पसंद कर रहे हैं। मूर्तियों में क्या है खास, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। दिवाली को अब सिर्फ दो दिन बचे हैं और दिवाली का जो मार्केट है वो सच कर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राजधानी के मार्केट में अलग अलग तरह की डेकोरेशन की चीज़ें हों या फिर बात करें मूर्तियों की, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं टीटी नगर स्टेडियम के पास और यहाँ पर जो डेकोरेशन और मूर्ति की दुकानें हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में और कितने ज़्यादा वैरायटीज़ में जो होम डेकोरेशन का सामान है अलग अलग पैटर्न्स में है। आप देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है, उनके दोनों हाथ में कमल है और जो एक हाथ से वो धन की वर्षा कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण की भी मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लग रही हैं और अलग अलग दाम में है। 100 रुपये से शुरुआत होकर इनके 1000 तक इनके दाम हैं। ये चलिए हम दुकानदार के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस बार की दिवाली में बाजार में क्या कुछ खास है। जी भैया, क्या नाम है आपका? स्वदेश प्रजापति। स्वदेश जी, इस बार क्या कुछ खास है? मैडम इस बार तो सब पूरा मिट्टी का आइटम है, बंगाल से आता है, गुजरात से आता है, कलकत्ता से आता है, गोरखपुर से आता है और कुछ एमपी से आता है, एमपी में इंदौर उज्जैन यहाँ से आता है माल। तो जो ग्राहक हैं उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है? मैडम उनको मिट्टी की मूर्ति पसंद आती है क्योंकि उस मिट्टी की मूर्ति से कोई नुकसान नहीं होता प्रदूषण को, इसलिए। अगर बात करें पैटर्न्स में तो पैटर्न में सबसे ज्यादा कौन सा पैटर्न पसंद आ रहा है मूर्तियों में? बंगाली पैटर्न, पूना पैटर्न, ये ज्यादा पसंद आता है। तो बस अब दिवाली को दो ही दिन शेष है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं और इस बार हर कोई यही कह रहा है कि हम अपनी चीज़ों को वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेंगे, अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ हम नेचर का भी पूरा ख्याल रखेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।
धनतेरस के शुभ मौके पर देश भर में जमकर लोगों ने खरीदारी की है। रायपुर के सराफा मार्केट से लेकर पूरे गोल बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। धनतेरस के दिन किसी भी वस्तु की खरीदारी को शुभ माना जाता है, इसलिए सभी मजहब के लोग सोना चांदी कपड़े की जमकर खरीदारी करते हैं। कुछ और लोग मौजूद है जिन खरीदारी के आए, और सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम परिवार से है, तो ये आप लोग बता दो कि वह मन धनतेरस के त्यौहार मनाते, बताइए आप लोग खरीदी करने निकले हैं। जी, जिसमें कि आप सब मल्ला मालूम है आज धनतेरस के दिन है, तो ये तो संस्कृति हवे हिंदुस्तान की, संस्कृति हवे भारत की संस्कृति हवे, जेकर मैं हर साल निभाता हूँ और कुछ ना कुछ आज के दिन कुछ ना कुछ शॉपिंग करता हूँ मैं। जी, तो देखिए कैसे आप लोग बता दो कि ये दिवाली के त्यौहार है, काली हिंदू के त्यौहार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबो जन के त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत में मिलजुल के त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर उदाहरण यहाँ देखे पर मिलते हैं मनला कि कैसे लोगन मन खरीदी करे पर निकले थे और शुभ मुहूर्त में आज सोना चांदी के खरीदी करते हैं। IBC 24 के लिए कैमरामैन दीपक के संग में स्टार जैन। बिलासपुर में धनतेरस का बाजार गुलजार है, बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन की दुकानों पर धनतेरस की रौनक है। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने शहर के सबसे पुराने और बड़े मार्केट सदर बाजार का जायजा लिया। धनतेरस को लेकर बिलासपुर का बाजार भी गुलजार है और बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर धनतेरस की खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के सबसे पुराने सदर बाजार गोल बाजार क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से धनतेरस की रौनक आपको नज़र आ रही होगी, चाहे वो कपड़ा का बाज़ार हो, चाहे वो ज्वेलरी का बाज़ार हो, बर्तन का बाज़ार हो, तमाम दुकानों में यहाँ पर रौनक नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो धनतेरस की खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और किस तरह से धनतेरस की खरीदारी आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ लिए हैं आप लोग? जी जी जी, क्या लिए हैं? हम लोग थाली लिए हैं, घंटी लिए हैं और ज्वेलरी सामान भी लिए हैं और प्लेट वगैरह पूजा के लिए, क्योंकि धनतेरस में तांबे का पीतल का बर्तन खरीदने से शुभ होता है और धन की बरसात होती है। बिल्कुल धन की वर्षा हो आपके यहाँ, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से बाजार कैसा है इस बार? आप लोग भी आए हैं, बाजार कैसा है? बाजार तो नॉर्मल डे से बहुत ही अच्छा है, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है और दुकानों में इतनी ज्यादा भीड़ है, बिलिंग में टाइम लग रहा है, सामान लेने में टाइम लग रहा है, पर रौनक बहुत अच्छी लग रही है धनतेरस पे। आप भी आए हैं बाजार खरीदारी के लिए, धनतेरस का बाजार है, किस तरह से देखते हैं रौनक और क्या कुछ लेने आए हैं आप? हम बर्तन लेने आए हैं, धनतेरस में यहाँ की माहौल ऐसे ही रहती है, जितना सुंदर बिलासपुर है उतनी यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धनतेरस का बाजार सजा हुआ है, तमाम दुकानों में यहाँ पर रौनक नज़र आ रही है और कुल मिलाकर अगर कहें तो बिलासपुर में धनतेरस का बाजार गुलजार है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। और इसी के साथ सिटी लाइट में आज के लिए इतना ही, बने रहिए IBC 24 के साथ, धन्यवाद।